18 જ્યાં છે 9 આમાં છે 27 सब लाइव है नौ ना तो फिलहाल खाली दो लोग देख रहे हैं कुछ एक्टिविटी होगा तो और आएंगे मैं इधर कमेटी मेंबर भी साइन कर सकता हूँ दो साइन हो सकता है मेंबर का ही है जनरल जनरल सामने बोल रहा बजट के पास इसमें दिखेगा नहीं नहीं पीछे थोड़ा और पीछे अरे नहीं दिख रहा है सच्ची में हाँ बस बंद हो जाएगा प्रोजेक्टर नहीं ये होगा ना प्रोजेक्टर शट हो जाएगा मैं एक मिनट में ज़्यादा हाँ फोकस होल इसका हो गया विरल इधर स्विच ऑन कर इधर से तो फुल है हुआ चालू हुआ नहीं तो इनका माइक भी है चालू ही है सो इट्स 8:45 विल स्टार्ट नाउ अभी हमारे पास 19 मेंबर ऐसे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं और 8 मेंबर ऐसे हैं जो एफबी लाइव पे हैं एफबी लाइव पे अभी और 3 मेंबर आना बाकी है इनके बाद और एक प्रेजेंटेशन है अपने को टाइम पे ख़त्म करना पड़ेगा इस वजह से अब और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते वी वेलकम द टफकॉन टीम नयन जी और उनकी पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम हमारा जो सोसाइटी है वो 1974 का है सेल्फ कन्वेंस हुआ है डायरेक्टली बिल्डर से कन्वेंस किया गया है और 3031 स्क्वायर मीटर का हमारा प्लॉट है हमने नवंबर में टेंडर डाला था वो टेंडर फेल गया क्योंकि एक्सेस रोड है उसका थोड़ा इश्यू चल रहा है वो इश्यू इज़ अबाउट टू सॉल्व नाउ हमारा मोजनी हो गया नवंबर में और अब हम आगे वो मोजनी का रिपोर्ट बाय एंड ऑफ दिसंबर या मिड ऑफ जनवरी तक में कलेक्टर से आ जाएगा एंड देन वी कैन अगेन गो अहेड विद आवर रीडेवलपमेंट आज का जो मीटिंग है वो सेल्फ रीडेवलपमेंट का डिसीजन नहीं है जो कुछ मेंबर्स लोग को डाउट था वो मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ 2017 का जो हमारा रिजोल्यूशन है कि हमको बिल्डर के थ्रू रीडेवलपमेंट जाना है आज भी वो रिजोल्यूशन स्टैंड करता है कुछ लोग मना किए थे कि ये मीटिंग मत करो फिर भी आज आए हैं उनका भी धन्यवाद ये मीटिंग सिर्फ उस वजह से है कि इन्फॉर्मेशन हम शेयर करें मेंबर से जैसे आज तक पिछले 6 सालों में करते आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे मेंबर इन्फॉर्म डिसीजन ले ना कि एक दूसरे से बात करके डिसीजन ले और हर एक अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके इस वजह से आज ये मीटिंग हमने रखी है तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इनका प्रेजेंटेशन आप देखिए पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर के लिए आपको और टाइम दिया जाएगा पहले पूरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने दीजिए ठीक है आपके जो भी क्वेश्चन होगा नोट कर लीजिए और आपको क्वेश्चन आंसर के लिए हम बाद में टाइम देंगे हाँ सब अपने अपने मोबाइल थोड़ा म्यूट पे रखिएगा प्लीज थैंक यू मैम यू कैन स्टार्ट सर थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन एंड मैं हमारी टीम को और खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ आई एम सी ए नूपुर कायदोंडे आई एम अ डायरेक्टर मैं डायरेक्टर हूँ टफकॉन्स निर्माण प्राइवेट लिमिटेड में और आज हमारे तरफ से चेयरमैन मिस्टर जयंत कायदोंडे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नयन डेडिया हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जनक भिमानी एंड हमारी और भी पूरी सपोर्ट टीम है आज यहाँ पे फॉर द प्रेजेंटेशन सो थैंक यू हमें यहाँ बुलाने के लिए टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ आए एक प्रेजेंटेशन दें एंड आपके जो भी मन में शंकाएं हैं विद रिस्पेक्ट टू योर रीडेवलपमेंट वो हम सॉल्व कर सकें
So let's move ahead with the presentation. So आपको प्रेजेंटेशन किस भाषा में चाहिए? आई कैन प्रेजेंट इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश एंड मराठी एंड इंग्लिश. तो कौन सा लैंग्वेज प्रेफरेबल होगा सबके लिए यहाँ पे? हिंदी इज बेटर. ठीक है, प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगा बट मैं पूरा जो बात है एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में करूंगी. रिक्वेस्ट है एक कि प्लीज आप फोन साइलेंट पे रखें ताकि आप भी डिस्टर्ब ना हो और आपके साथ जो आपके मेंबर्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग दिस प्रेजेंटेशन. जो प्रेजेंटेशन होगा वो लगभग 30 मिनट का होगा एंड आपके जो भी सवाल रहेंगे, जैसे सर ने कहा आपके सारे सवाल हम प्रेजेंटेशन के बाद ले लेंगे, तो अगर कोई सवाल है आपका तो आप उसे नोट डाउन करके रख सकते हैं. एक डिस्क्लेमर है कि वी आर नॉट अ डेवलपर, हम यहाँ पे डेवलपर की तरफ से नहीं आए हैं या डेवलपर बन के नहीं आए हैं. वी आर वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट एंड पीएमसी इन बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट बोथ. एंड हम यहाँ पे कोई भी टाइप का रीडेवलपमेंट प्रमोट नहीं कर रहे बट आपका जो हमने फिजिबिलिटी वर्कआउट किया है ऑन दैट बेसिस एंड करंट मार्केट सिनेरियो को भी ध्यान में रखते हुए, आज आपके लिए क्या टाइप ऑफ रीडेवलपमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन एंड आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, इस पे एक डिस्कशन करेंगे हम इन द प्रेजेंटेशन एंड आफ्टर इन द क्वेश्चन आंसर सेशन. हमारे एक टीम का इंट्रोडक्शन, दैट वी हैव स्पेशलाइजेशन इन रीडेवलपमेंट एंड सेल्फ रीडेवलपमेंट. हमारा जो कोर वर्क रहा है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रीडेवलपमेंट में रहा है एंड वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एज वेल. हमने 65 से भी ज्यादा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए हैं वेयर वी वर्क विद वेरियस डेवलपर्स. पीएमसी फॉर डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट इन 12 प्रोजेक्ट्स. वन पॉइंट कॉन्टैक्ट एज पीएमसी फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट इन 17 प्रोजेक्ट्स. स्टॉल प्रोजेक्ट कंसल्टेंट इन 1 प्रोजेक्ट. जैसे हम सुनते आ रहे हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं ऑल ओवर मुंबई, सो वी हैव ऑल्सो टेकन एन इनिशिएटिव कि कहीं पे ये प्रोजेक्ट्स जो स्ट्रेस प्रोजेक्ट्स है उनको भी हम कहीं पे रिलीफ दें, जो उसमें एग्जिस्टिंग मेंबर्स है या जो बायर्स है उनको एक रिलीफ मिल सके. एंड वी हैव एक्सपीरियंस, एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो है वो हमारा 30 साल से भी ज़्यादा है एंड ऑल प्रोफेशनल्स अंडर वन रूफ विथ अस. आपको जो भी प्रोफेशनल्स लगते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वो सारे आपको एक छत के नीचे मिल जाते हैं. लाइक वी से कि ऑल सर्विसेज अंडर वन अम्ब्रेला, तो टफकॉन निर्माण प्राइवेट लिमिटेड में सारे जो प्रोफेशनल्स हैं, आप आर्किटेक्ट कह लीजिए, लीगल कंसल्टेंसी, अकाउंटेंसी, रेरा रिलेटेड, जीएसटी रिलेटेड, आरसीसी स्ट्रक्चर, तो ये सारी चीज़ें, सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो कंपनी का एक हिस्सा है, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं. एंड इस तरीके से हमने ये पूरा टीम फॉर्म किया है ताकि जब सोसाइटी हमारे पास आए तो उनको सारे सर्विसेज अंडर वन रूफ मिल जाए. सारे जो कंसल्टेंसी है वो पूरी एक सिंक्रोनाइज कंसल्टेंसी हम सोसाइटी को दे पाए. टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट वी हैव डिवाइडेड इन थ्री सेगमेंट्स. तीन सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया है हमने. तो फर्स्ट इज आर्किटेक्चरल सर्विसेज. तो ये प्रोवाइडेड आर्किटेक्चरल सर्विसेज बेसिकली बिल्डिंग के जो डिजाइनिंग है वो हमने डेवलपर के लिए वर्क किया हुआ है. सेकेंड इज बीएमसी माडा एसआर एंड अदर लाइजनिंग. तो जब बिल्डिंग बनती है तो उसका जो डिज़ाइन है वो आर्किटेक्ट बनाता है, पर जब तक वो डिज़ाइन अप्रूव ना हो, जो बिल्डिंग प्रपोजल अथॉरिटी है, बिल्डिंग अप्रूवल अथॉरिटी है, उससे जब तक वो अप्रूव ना हो हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन पे वी कैन नॉट डू द कंस्ट्रक्शन एट साइट. तो ये जो अप्रूवल्स है इसके लिए वी हैव टू डू लाइजनिंग एंड फॉलो अप विद द डिपार्टमेंट लेवल. तो वो भी हम कर रहे हैं. देयर आर फोर अथॉरिटीज फॉर बिल्डिंग प्रपोजल्स, तो वी आर वर्किंग करेंटली विद ऑल फोर अथॉरिटीज. देन आरसीसी एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी. तो बिल्डिंग कितनी सुंदर हो ये आपका आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, बट बिल्डिंग में कितनी स्ट्रेंथ हो, उसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंस हो एंड कितने साल तक वो चलेगी, ये आरसीसी और आपका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग जो करते हैं दैट इज आरसीसी कंसल्टेंट. तो उसका जो डिजाइनिंग है स्ट्रक्चर का डिजाइनिंग जो एको होगा दस बजे तक तो देखेंगे. तो जो कोर कंसल्ट जो कोर स्टर्न डिजाइन है वो आपका आरसीसी और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट करता है एंड इंटीरियर डिजाइनिंग. सो एक्सटर्नल के बाद जो इंटीरियर डिजाइनिंग है, तो ये हम सारे सर्विसेज अंडर आर्किटेक्चरल सर्विसेज का जो सेगमेंट है उसमें प्रोवाइड करते हैं. जैसे मैंने कहा जो हमको जो परमिशन लाने हैं या जो अप्रूवल्स लाने हैं, तो उसके लिए आज मुंबई में फुट आर फोर अथॉरिटीज हु इज डूइंग बिल्डिंग प्रपोजल्स या बिल्डिंग प्लानिंग. सो वन इज
MCGM मतलब BMC, second is MHADA, third is MMRDA and fourth is SRA. तो अंडर ऑल दीज फोर अथॉरिटीज जो लाइजन होता है या अप्रूवल का वर्क करना होता है, वी आर वन ऑफ द वेरी फ्यू आर्किटेक्ट्स और पीएमसी जो सारे ऑल फोर अथॉरिटीज के साथ काम कर चुके हैं या कर रहे हैं. सेकेंड सेगमेंट इज पीएमसी सर्विसेज मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज. तो उसमें ये आता है कि वी आर वर्किंग फॉर सोसाइटीज, वी आर गोइंग फॉर बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट. तो पूरा जो प्रोजेक्ट पे सुपरविजन है सोसाइटी की तरफ से, एज अ सोसाइटी मेंबर हमको सोसाइटी को ही कंसल्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रोजेक्ट एंड कैसे उनको गाइड करके लेके जाते हैं आगे. सेकेंड इज पीएमसी ऑन बिहाफ ऑफ डेवलपर इन रीडेवलपमेंट, जहाँ पे हमको डेवलपर ने अपॉइंट किया है इन अ प्रोजेक्ट एज अ पीएमसी. एंड वहां पे जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पीएमसी वर्क होता है एंड उस पर रिपोर्टिंग होता है, दैट एंटायर वर्क वी हैव डन फॉर अ डेवलपर. पीएमसी फॉर सोसाइटी इन सेल्फ रीडेवलपमेंट, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट में जब सोसाइटी जाती है तब हमारा स्कोप सिर्फ चेक रखने का नहीं होता, बट हमारा स्कोप एक मेकर का हो जाता है. जैसे डेवलपर एक प्रोजेक्ट मैनेज करता है, वैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए प्रोफेशनली हम लोग प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं, जहाँ पे सारे सर्विसेज अंडर वन रूफ विद प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन हम सोसाइटी को प्रोवाइड करते हैं. स्टॉल प्रोजेक्ट्स, तो स्टॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ऑल्सो वी आर वर्किंग, जहाँ पे बायर्स ने एक एसोसिएशन बनाया है, दे हैव गॉन अगेंस्ट द बिल्डर एंड वहाँ पे एक नया डेवलपर इंट्रोड्यूस करके वो लोग प्रोजेक्ट आगे लेके जा रहे हैं, सो देयर ऑल्सो वी आर वर्किंग एज अ पीएमसी. एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड ब्रिज गैप फंडिंग, बेसिकली डेवलपर लेड प्रोजेक्ट्स के लिए भी वी हैव असिस्टेड द डेवलपर्स टू प्रोक्योर प्रोजेक्ट फाइनेंस. उसके अलावा सेल्फ रीडेवलपमेंट में सोसाइटीज को जो प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस लगता है वो, एंड इनिशियल जो फंड्स होते हैं अगर सोसाइटी प्रोक्योर नहीं कर पाती तो उसके लिए ब्रिज गैप फंडिंग करना, दैट ऑल्सो वी हैव डन सक्सेसफुली टू डेट. एंड थर्ड सेगमेंट इज लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो उसमें आता है लीगल कंसल्टेंसी फॉर सोसाइटीज. बेसिकली आपका जो सोसाइटी रिलेटेड मैटर्स है या सोसाइटीज को रीडेवलपमेंट में जो इश्यूज आते हैं, फॉर दैट लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज. सेकेंड इज डीम कन्वेंस सर्विसेज, जो सोसाइटीज के कन्वेंस नहीं होते, दे हैव टू गो थ्रू डीम कन्वेंस प्रोसीजर्स, तो दैट ऑल्सो वी आर डूइंग. सोसाइटी मैनेजमेंट एज पर LCS एक्ट, जो हमारी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है वो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो जो एक्ट बताता है हमको सोसाइटी उसी तरह से रन करनी है, उसी तरह से मेंटेन करने हैं रिकॉर्ड्स. सो मेनी सोसाइटीज विच आर नॉट एबल टू फॉलो दिस कम्प्लीटली, तो हम हमारे क्लाइंट सोसाइटीज को ये सोसाइटी मैनेजमेंट के लिए भी गाइड करते हैं एज पर द एक्ट. एंड कंसल्टेंसी एंड लाइजन एंड लैंड मैटर्स, ऑलमोस्ट 75% ऑफ लैंड या जो सोसाइटी प्लॉट्स है, 75% ऑफ द लैंड में कहीं ना कहीं एरिया करेक्शन एरर आ रहा है. PR कार्ड पे एक एरिया है, फिजिकली दूसरा एरिया है, कन्वेंस पे तीसरा एरिया है. सो दिस काइंड ऑफ लैंड कंसल्टेंसी एंड जो लाइजन वर्क होता है वो भी हम हमारे सोसाइटीज के लिए, क्लाइंट सोसाइटीज के लिए करते हैं. दैट इज वाई वी कैन यू नो प्राउडली से कि ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ, मतलब आपका टाइटल में एरर है तो वहां से अगर उसको क्लियर करके लेके जाना है टिल योर डिमोलिशन एंड टिल द कम्प्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो ये सारे सर्विसेज विद टफकॉन्स यू गेट ऑल अंडर वन रूफ. सो टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स, बेसिकली पीएमसी सर्विसेज में वॉट आर द टाइप्स ऑफ कंसल्टेंट्स. एक है चेकर जो रिव्यू और सुपरविजन वर्क करते हैं. सेकेंड इज मेकर, जहाँ पे जो पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन लेवल का वर्क है, प्रोफेशनली प्रोजेक्ट मैनेज करना वो वर्क करते हैं. एंड थर्ड इज बोथ, सो हम लोग कहाँ प्लेस होते हैं, वी आर प्लेस्ड इन बोथ बिकॉज हम लोग वी आर वर्किंग एज अ चेकर, ऑल्सो एक चेकर का भी काम कर रहे हैं हम लोग ओवर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एंड वी आर वर्किंग एज अ मेकर, बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना प्रोफेशनली, तो सोसाइटी को असिस्ट करना वो प्रोजेक्ट पूरा बनाने में और उसको आगे लेके जाने में. तो हम लोग ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटीज को. हमारे कंपनी के फाउंडर्स हमारे चेयरमैन मिस्टर जयंत गायतोंडे एंड हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नयन डेडिया. हमारी टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स इट इज हेडेड बाय आवर डायरेक्टर आर्किटेक्ट उदय कनाडिया. हमारे जो आर्किटेक्ट है, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम रहेजा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड 17 साल का उनका एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में. उनके अंडर पूरा हमारा डिजाइनिंग एंड प्लानिंग टीम है, वेयर ही हैज अ टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स, टीम ऑफ अप्रूवल एंड लाइजन आर्किटेक्ट. बेसिकली अलग अलग डिपार्टमेंट का हर लाइजन पर्सन अलग है बिकॉज दे हैव स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और दैट पर्टिकुलर सेक्टर. तो लाइजन की हमारी टीम अलग है, प्लस इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिजाइनिंग के जो डिजाइनर्स हैं उनकी हमारी अलग से टीम है. सो दिस इज द एंटायर प्लानिंग एंड डिजाइनिंग टीम. टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड पीएमसीज इज हेडेड बाय मिस्टर जयंत इनामदार. ये हमारे डायरेक्टर है, आरसीसी एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट है.
उनके साथ है टीम ऑफ इंजीनियर्स एंड द टीम ऑफ एमईपी एंड एचवीएसी. बेसिकली स्ट्रक्चरल आपका जो कोर स्ट्रेंथ होता है उसकी डिजाइनिंग होती है. उसके अलावा वी हैव टू टेक केयर ऑफ डिजाइनिंग ऑफ योर प्लम्बिंग इलेक्ट्रिकल डिजाइन. ये सब डिजाइनिंग के लिए वी आर एसोसिएटेड विद अम्ब्रोसिया डिजाइन एंड जॉन मैकल टेक्नोलॉजीज प्लस सोसाइटी मैनेजमेंट वर्क. तो जो पूरा सोसाइटी मैनेजमेंट वर्क होता है एज पर एमसीएस एक्ट रजिस्ट्रार के साथ कोऑर्डिनेट करना, तो ये पूरी टीम ऑल्सो वी हैव सेपरेटली. तो डेप्यूटी रजिस्ट्रार रिलेटेड कोऑपरेटिव मैटर्स रिलेटेड जो कंसल्टेंसी होता है दैट ऑल्सो वी प्रोवाइड. सो हमारे जो डायरेक्टर है उनकी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं. उसमें से दो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स ये है कि वन इज एमएमआरडी के स्काईवॉक्स. मुंबई में 14 एमएमआरडी के स्काईवॉक्स है जो हमारे डायरेक्टर जयंत नामदार जी ने डिजाइन किए हैं. उसका कंप्लीट कोर स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग उन्होंने किया हुआ है. उसके अलावा एक प्रोजेक्ट है विच इज इन पूना आईटी सेक्टर में. इट्स अ वेरी लैंडमार्क प्रोजेक्ट. इंफोसिस का बिल्डिंग है पूना हिंजेवाड़ी में. उसका पूरा जो शेप है वो अंडे के शेप का है. सो दैट डिजाइनिंग उसका जो स्ट्रक्चरल कोर स्ट्रेंथ डिजाइनिंग है स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग है आरसीसी डिजाइनिंग है वो इन्होंने किया हुआ है. प्रोजेक्ट्स एंड ऑपरेशंस. तो जो कोर प्रोजेक्ट रिलेटेड सोसाइटी मैनेजमेंट रिलेटेड एंड ऑपरेशन रिलेटेड. सो आई एम अ डायरेक्टर इन द कंपनी. सो आई टेक केयर ऑफ द ऑपरेशन लेवल वर्क एंड मिस्टर जनक भिमानी जी है हमारे वाइस प्रेसिडेंट. तो प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क एंटायरली इज टेकन केयर ऑफ बाय हिम. देन वी हैव अ टीम ऑफ एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. क्योंकि जब आप रीडेवलपमेंट में आगे बढ़ते हो तो एक लीगल कंसल्टेंसी लीगल गाइडेंस प्लस जब आप एक डेवलपर को अगर अपॉइंट कर रहे हो तो उसके फाइनेंशियल्स एंड उसका कोर जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसको अंडरस्टैंड करना प्लस इफ यू आर गोइंग इन सेल्फ रीडेवलपमेंट तो आपका एज अ प्रोजेक्ट का पूरा अकाउंटिंग करना जीएसटी वगैरह ये सब के कंप्लायंसेस करना. सो एंटायरली ये हमारी टीम देखती है. हमारे सब्सिडरी एंटिटीज है वेर इन डीजी आर्क है जहाँ पे हम कोर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर जॉब्स करते हैं एंड लॉ मास्टर्स फॉर लीगल एडवाइजरी कंसल्टेंसी एंड डीम कन्वेंस मैटर्स. स्टॉल प्रोजेक्ट जागो.com ये हमारा एक कैंपेन है जहाँ पे हम कोर मतलब जो स्टॉल प्रोजेक्ट्स है जो बहुत सालों से अटके हुए हैं और उनके लिए कहीं पे भी कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा तो वैसे प्रोजेक्ट्स को हमने टारगेट किया है. दिस वॉज अ कैंपेन विच वी हैड लॉन्च जस्ट नियरिंग द लॉकडाउन फेज एंड तब से इसने काफी पिकअप किया है. वी हैव ऑलरेडी एक जो है प्रोजेक्ट उसको हमने टर्न अराउंड दे दिया है जहाँ पे पुराना डेवलपर ने एग्जिट ऑलरेडी कर चुके हैं. नया डेवलपर को हमने इंट्रोड्यूस करवा के वो प्रोजेक्ट को एक रीस्टार्ट दिया है एंड देर आर अदर प्रोजेक्ट्स हुआ इन पाइपलाइन. ऑल्सो सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए हम मुंबई बैंक के पैनल पे है एंड हम मुंबई बैंक की कोर कमिटी में भी है जहाँ पे मुंबई बैंक का जो सेल्फ रीडेवलपमेंट सेल है उनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट. तो जो अपॉइंटमेंट है वो हमको मुंबई बैंक के चेयरमैन एमएलए श्री प्रवीण दरेकर जी से मिला था. फॉर दैट वो टाइम पे हमको बहुत मीडिया रिकॉग्निशन मिला था. तो ये जो कटआउट्स मैंने डाले हैं इट इज फॉर दैट मीडिया रिकॉग्निशन विच वी गॉट दैट टाइम. ऑल्सो वी आर ऑथर्स टू द अपकमिंग बुक स्वनिर्माण. ये सेल्फ रीडेवलपमेंट पे हमने नयन सर ने एक बुक लिखा है तो इट इज लाइक अ क्विक रेडी रेफरेंस और या अ क्विक मैन्यूअल हम कह सकते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स और फॉर सोसाइटीज जिनको सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाना है. ऑल्सो हमारा एक और अपकमिंग बुक है रीडिस्कवर रीडेवलपमेंट. हमारे जो प्रमोटर्स हैं उनका मनी कंट्रोल में एक इंटरव्यू आया है कि अबाउट सेल्फ रीडेवलपमेंट. तो अगर आपको ये इंटरव्यू पढ़ना है यू कैन टाइप मनी कंट्रोल सेल्फ रीडेवलपमेंट गूगल पे एंड आपको ये आर्टिकल का आ जाएगा लिंक. सो यू कैन रीड इट इज अबाउट सेल्फ रीडेवलपमेंट. तो कपल ऑफ आर्टिकल्स आए थे उसमें से ये आर्टिकल को सबसे ज्यादा हिट्स मिले हैं. सो दैट वाई आई पुट दिस अप. उसके अलावा बहुत सारे आर्टिकल्स आते रहते हैं उसमें से वन ऑफ देम इज कम इन अकोमोडेशन टाइम्स ने इनसे आर्टिकल लिखा हुआ था. उसके अलावा दो है जो मराठी न्यूज़पेपर्स में भी आए हैं. नाउ लेट्स गो टू प्रोजेक्ट डिटेल्स कि हमने जो काम किया है उसका एक समरी है कि व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव डन. तो एज अ पीएमसी फॉर सोसाइटी जहाँ पे सोसाइटी है उन्होंने हमको अपॉइंट किया है जो बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट में जा रही है. पीएमसी एंड आर्किटेक्ट फॉर डेवलपर जहाँ पे डेवलपर ने हमको अपॉइंट किया है आर्किटेक्चरल वर्क के लिए एंड एज अ पीएमसी फॉर टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलपर. टर्नकी प्रोफेशनल पीएमसी फॉर डेवलपर. तो जो सर्विसेज हम सेल्फ डेवलपमेंट में प्रोवाइड करते हैं फॉर द एंटायर सेम सेट ऑफ सर्विसेज हम डेवलपर की तरफ से भी अपॉइंट हो चुके हैं इन दीज प्रोजेक्ट्स जहाँ पे पार्ट आर कंप्लीटेड एंड पार्ट आर ऑनगोइंग. जहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग एंड फंडिंग पार्ट था वो डेवलपर इन्वेस्टमेंट डेवलपर लाता था एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हैज बीन डन बाय एंटायरली टफकॉन टीम. एंड ये हमारा प्रोजेक्ट है
जिसमें अभी नया डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट हो चुका है. इट हैज गॉट अ रीस्टार्ट, जो स्टॉल प्रोजेक्ट की मैं बात कर रही थी वो. देन एज एन आर्किटेक्ट फॉर डेवलपर, जहाँ पे हमने डिजाइनिंग प्लानिंग किया हुआ है प्रोजेक्ट्स में, आरसीसी कंसल्टेंट एंड कंस्ट्रक्शन पीएमसी. तो आरसीसी एंड स्ट्रक्चरल कंसल्टेंसी पूरा डिजाइनिंग, उसका सर्टिफिकेशन एंड एज वर्किंग एज अ पीएमसी ऑल्सो ऑन द प्रोजेक्ट. तो ये लिस्ट है उन प्रोजेक्ट्स की. सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो हम 17 प्रोजेक्ट्स में अपॉइंटेड है आज सेल्फ डेवलपमेंट के लिए. सब वेरियस अलग अलग स्टेजेस पे है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट डीसीपीआर 2034 के डेवलपमेंट स्कीम्स एंड हमारी आपकी जो सोसाइटी है उसको क्या एप्लीकेबल रहेगा. सो जो डीसीपीआर है वो बताता है कि क्या क्या रेगुलेशंस अवेलेबल है जिसमें आप रीडेवलपमेंट कर सकते हो या कोई भी टाइप का डेवलपमेंट कर सकते हो. तो हम लोग का आपका जो बिल्डिंग आता है दैट गेट्स क्लासिफाइड अंडर सेक्शन 33(7)(b) बिल्डिंग मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड. तो आपकी बिल्डिंग ऑलरेडी इट्स मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड. सो उसके लिए क्या आपको इंसेंटिव मिलता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आइडेंटिटी का नेक्स्ट. ओके, तो वो जो पहले था दैट वाज फॉर आइलैंड सिटी, मतलब बॉम्बे साइज. नेक्स्ट इज फॉर अस जो एप्लीकेबल होगा दैट इज सबर्ब्स. सो नाउ एज पर द डीसीपीआर, जो नया डीसीपीआर है उसमें एफएसआर कैसे असर्टन होता है, इट डिपेंड्स ऑन द रोड विथ ऑफ द रोड अबटिंग द सोसाइटी. मतलब सोसाइटी का जो एक्सेस रोड है या सोसाइटी को जो लगता है रोड, उसका जो रोड विथ है उसके बेसिस पे आपको एफएसआर मिलेगा. सो कंसिडरिंग दैट यर आपका जो है दैट इज राइट टू एक्सेस. सो कंसिडरिंग योर डॉक्यूमेंट्स जो हमने स्टडी किया है एंड एक पाइप एक्सेस एंड राइट टू एक्सेस के लिए एक नया नोटिफिकेशन भी आया है. तो कंसिडरिंग दैट वो अप्लाई करते हुए वी कैन गेट एन एफएसआई फॉर अ रोड विच इज 27 मीटर एंड अबाउट, 27.5 मीटर का है आपका जो मेन रोड है वो. तो उसका एफएसआई हम अपने आपके प्लॉट पे अप्लाई कर सकते हैं. तो आपका जो एफएसआई होगा दैट वुड बी 1, मतलब आपका अभी जो बेसिक एफएसआई है वो. 0.5 जो एडिशनल है वो हमको बीएमसी से परचेज करना पड़ेगा, प्लस 1 मोर एफएसआई जो हमको ओपन मार्केट टीडीआर परचेज करके लेना पड़ेगा. इस तरीके से 2.5 आपका एफएसआई हो जाता है प्लॉट का. उस पर हमको बीएमसी देती है 35% फंजिबल एफएसआई. तो उस पर अगर हम 35% ऐड करें कम्स टू 0.875. एंड इस तरीके से जो हमारे प्लॉट का नेट एफएसआई है दैट कम्स टू 3.375. आपका जो भी प्लॉट एरिया रहेगा आप उसको 3.375 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यू विल गेट योर टोटल एफएसआई इन द प्रोजेक्ट. ऑल्सो लाइक आई सेड इन 33(7)(b) इन दिस रेगुलेशन, अगर आपका बिल्डिंग 30 साल से पुराना है तो आपको एक इंसेंटिव मिलता है विच इज 10 square meters पर रेसिडेंशियल यूनिट और 15% ऑफ टोटल बिल्ट अप एरिया विच एवर इज हाई इन लियू ऑफ टीडीआर. तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके भी बढ़ के हमको एफएसआई मिलेगा. नो, दिस इज आवर पोटेंशियल, हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल ये है प्लॉट का. अभी ये जो हमको आउटसाइड टीडीआर परचेज करना है उसके लिए जो कॉस्ट लगता है तो वो हमारा कॉस्ट थोड़ा सेव हो जाता है क्योंकि एज पर दिस सेक्शन 15% ऑफ टोटल बिल्टअप एरिया वी गेट एज इंसेंटिव टीडीआर और इंसेंटिव एफएसआई. तो हमको उतना कम टीडीआर खरीदना पड़ेगा तो हमारा थोड़ा उधर कॉस्ट सेविंग हो जाता है इन टू द प्रोजेक्ट. सो दैट इज द बेनिफिट इन 33(7)(b). तो आपको क्या एफएसआई अवेलेबल है, लेट्स वर्क आउट दैट. आपका जो प्लॉट एरिया है दैट इज 2823.5 square meters, उस पर आप 0.5 एफएसआई ऐड करेंगे तो दैट कम्स टू 1411 square meters. देन 1 FSI विच इज वी हैव टू परचेज इन फॉर्म ऑफ TDR, तो वो हो जाता है 2823.5 square meters. अभी हम इसका टोटल करेंगे तो वील गेट 2.5 जो हमारा ग्रॉस एफएसआई है. सो दैट कम्स टू 7058.8 square meters. इस पे हम 35% फंजिबल ऐड करेंगे. हमारा जो 35% है दैट इज कमिंग टू 2470 square meters. तो इस तरीके से हमारा टोटल एफएसआई कह लीजिए या टोटल बिल्टअप एरिया कह लीजिए, सो दैट इज कमिंग टू 9529.30 square meters. तो इफेक्टिव हमारा जो एफएसआई है दैट मीन्स टोटल बिल्टअप एरिया डिवाइड बाई प्लॉट एरिया विल कम टू 3.375.
अभी इसके ऊपर ये आपका बेस है, आपका जो प्लॉट एरिया वर्किंग बेस है. अभी जो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो एवरीथिंग इज वर्क डाउन ऑन द एफएसआई वर्किंग. सो कंसीडरिंग दिस एफएसआई, हमारा जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपके लिए हमने फिजिबिलिटी वर्कआउट किया था, तो लेट्स सी कि क्या कॉस्ट आता है. हमने सेल्फ रीडेवलपमेंट एंड डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट दोनों का एनालिसिस किया है, दोनों के कॉस्ट कंसिडर किए हैं. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ रीडेवलपमेंट. तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है अप्रोक्सीमेटली 41 crores. तो उसमें आ जाता है आपका टोटल जो कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा है ना, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करेंगे, वो पूरा बांध काम करके लॉक एंड की में जो वो प्रोजेक्ट लेगा वो आ जाता है कॉस्ट. देन उसमें वो जीएसटी भी लगाता है, तो जीएसटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड. सोसाइटी रिलेटेड कॉस्ट बेसिकली आपका रेंट हो गया, शिफ्टिंग चार्जेस हो गया, आपके जो नए अग्रीमेंट्स बनेंगे उस पे रजिस्ट्रेशन फीस होंगे, उस पे एक स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट भी आता है. तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी रिलेटेड कॉस्ट में आ जाती है. MCGM अप्रूवल्स एंड डिपॉजिट, तो BMC में हमको बहुत सारे प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं, फीस पे करने पड़ते हैं, डिपॉजिट देने होते हैं. सो दैट इज कमिंग टू 22 crores. TDR जो हमको ओपन मार्केट में लेना है, दैट इज कमिंग टू 6.74 crores. कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब आज आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करते हो, यही प्रॉपर्टी टैक्स कन्वर्ट हो जाता है लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन टैक्स में व्हेन यू योर बिल्डिंग इज डिमोलिश्ड. तो डिमोलिशन से लेके OC आने तक वो प्रॉपर्टी टैक्स अराउंड 10 या 20 गुना बढ़ जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है LUC टैक्स में. तो ये भी एक प्रोजेक्ट को खर्चा है, तो वी हैव कंसिडर्ड LUC टैक्स इन दैट. उसके अलावा जो भी मिसलेनियस साइट मैनेजमेंट एक्सपेंसेस आते हैं, दैट इज ऑल कंसिडर्ड इन कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. तो वो है 5.4 crores. प्रोफेशनल फीस, तो जो पूरा प्रोफेशनल सर्विसेज आपको लगेंगे इन द प्रोजेक्ट, तो दैट इज कमिंग टू 4.13 crores इंक्लूडिंग GST. एंड एस्टिमेटेड फाइनेंस कॉस्ट, जो आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट में जब आप जाओगे, योर प्रोजेक्ट विल बी मेनली डिपेंडेंट ऑन सेल्फ रीडेवलपमेंट फंडिंग, तो उस पर हमको इंटरेस्ट पे करने को आता है, प्रोसेसिंग फीस होते हैं. तो ये सारे अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल अप्रोक्सीमेटली 10.5 crores. तो इस तरीके से आपका जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है, दैट इज कमिंग टू 9.88 crores. 98.88 crores. एंड अभी हम बात करते हैं डेवलपर रीडेवलपमेंट की, कि इसमें जो कॉस्ट है, सो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हियर वुड कम टू अराउंड 39.41 crores. सोसाइटी रिलेटेड कॉस्ट है, तो हियर इट इज 5.75 crores. MCGM अप्रूवल्स एंड डिपॉजिट इज 21.66 crores. TDR कॉस्ट इज द सेम. कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इज 5.10 crores. प्रोफेशनल फीस इज 3.15 crores. एंड एस्टिमेटेड फाइनेंस कॉस्ट इज 12 crores, 27 lakhs अप्रोक्सीमेटली. तो उस तरीके से जो डेवलपर का कॉस्ट है, दैट इज कमिंग टू 94 crores एंड 8 lakhs अप्रोक्सीमेटली. 94 crores. तो हियर आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेल्फ में हमको खर्चा ज्यादा दिख रहा है एंड डेवलपर लेड में कम दिख रहा है. तो पहले हम समझते हैं कि मैं आपको आगे समझाती हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है. जस्ट एक एग्जाम और बेटर समझने के लिए एक मैंने पाई चार्ट इंसर्ट किया है, जिससे आपको समझेगा कि अगर हमको 100 rupees का खर्चा है तो उसमें से कौन सा कितना अमाउंट किस खर्चे में जा रहा है. जैसे अगर 100 rupees है हमारा खर्चा, तो उसमें से 42 rupees हमको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पे करना पड़ेगा, 9 rupees हमको सोसाइटी रिलेटेड कॉस्ट में पे करना पड़ेगा, 22 rupees हमको MCGM BMC के जो अप्रूवल कॉस्ट है उसमें पे करना पड़ेगा, TDR के लिए हमको 7 rupees पे करने पड़ेंगे, कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमको 5 rupees पे करने हैं, प्रोफेशनल फीस में हमको 4 rupees पे करने हैं, एंड जो फाइनेंस कॉस्ट है, इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा, उसमें हमको 11 rupees देने. तो इस तरीके से हमारा 100 rupees का ये खर्चा है, लाइक एन एग्जाम्पल फॉर यू. सिमिलरली डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट में भी 100 rupees अगर डेवलपर के पास, तो जो खर्चा है 100 rupees का डेवलपर का, तो उसमें 42 rupees उसको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पे करने हैं, सोसाइटी रिलेटेड कॉस्ट में 6 rupees, BMC अप्रूवल में 23 rupees, TDR के लिए 7 rupees, कॉस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन 6 rupees, प्रोफेशनल फीस 3 rupees, एंड एस्टिमेटेड फाइनेंस कॉस्ट के लिए जो है वो 13 rupees उसको देने हैं. तो इस तरीके से उसके 100 rupees का खर्चा पूरा होता है. नाउ वी हैव कंसिडर्ड अ सेल रेट. जो सेल्स हमारा प्रोजेक्शन है, तो हमने रेंज पकड़ा है 23,000 से लेकर 27,000 के बीच, एंड जो हमारा नेट सेल्स है प्रोजेक्ट में, दैट इज कमिंग टू 118 crores, 84 lakhs. तो सेल्फ एंड डेवलपर में दोनों में हमारा जो सेल एरिया आ रहा है, दैट इज कमिंग सिमिलर.
लेस प्रोजेक्ट कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमको प्रोजेक्ट का नेट प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरीके से सेल्फ रीडेवलपमेंट में जो जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, दैट इज 20%, एंड डेवलपर के लिए वी हैव केप्ट अ मार्जिन ऑफ अराउंड 26% आफ्टर ऑल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन टू कैलकुलेशन। तो कंसीडरिंग अभी सेल्फ में भी 20% मार्जिन हमको मैंडेटरी रखना पड़ता है, अदरवाइज हमारा प्रोजेक्ट विल गो इनटू हायर रिस्क प्रोजेक्ट एंड बैंक में नॉट फंड। एंड डेवलपर लेड में भी 25% से लेके 30% प्रॉफिट कोई भी डेवलपर अगर आएगा तो इतना इन्वेस्टमेंट करेगा तो ऑब्वियसली ही विल आल्सो लुक एट अ रिटर्न ऑफ अराउंड 25% इनटू द प्रोजेक्ट। तो ये कंसिडर करके ही हमने इतना जो रेट ऑफ रिटर्न है या प्रॉफिट मार्जिन है उसको मेंटेन किया है। नाउ फिजिबिलिटी रिपोर्ट हाईलाइट्स कि वही कि जो सेल्फ में जो कॉस्ट था वो आपको ज्यादा दिख रहा है एंड डेवलपर में कम दिख रहा है, क्योंकि सेल्फ का जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था वो भी ज्यादा है। नाउ हियर जो एडिशनल एरिया, फ्री एरिया सेल्फी डेवलपमेंट में कंसिडर किया है या जो फिजिबल है बेसिकली प्रोजेक्ट को, दैट इज कमिंग टू 39%। सरप्लस और कॉर्पस फंड, मतलब आपका जो सरप्लस है बेसिकली जो प्रॉफिट होता है प्रोजेक्ट के एंड पे, वो मेंबर्स में ही डिवाइड होता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा जो प्रोजेक्ट का प्रॉफिट होगा वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स में एज पर देयर कार्पेट एरिया डिवाइड हो जाएगा। तो पर स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया उसको अगर हम डिवाइड करें तो इट्स कमिंग टू 6,300 पर स्क्वायर फीट। मंथली रेंट हमने सेल्फ डेवलपमेंट में 60 रुपीज कंसिडर किया है, रेंट पीरियड 36 मंथ्स कंसिडर किया है एंड शिफ्टिंग चार्जेस 20,000 कंसिडर किया है। नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट, डेवलपर का मार्जिन मेंटेन करना है, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो तो कॉस्ट लगने ही वाले है। कंसिडरिंग दैट फॉर अ डेवलपर टू गेट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एटलीस्ट 26% मेंबर्स को जो ऑफर कर सकता है डेवलपर, दैट इज कमिंग टू 0%। जो रेंट जो कॉर्पस फंड है वो भी वी हैव कंसिडर्ड एज 0%, 0 पर स्क्वायर फीट। मंथली रेंट, अगर हम मंथली रेंट भी अगर ले फॉर 36 मंथ्स डेवलपर लेड प्रोजेक्ट में, तो डेवलपर का मार्जिन विल बॉइल डाउन ड्रास्टिकली टू अराउंड 16-17%। तो इस तरीके से मंथली रेंट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर एज 0, सो नो रेंट। एंड शिफ्टिंग चार्जेस हमने रखा है बिकॉज उसमें वो 26% का मार्जिन हो रहा था मेंटेन। तो इसीलिए मैं जैसे अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगी कि जो प्रॉफिट मार्जिन है, अगर एक डेवलपर भी आता है तो वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही आता है, तो वो मेंटेन करना है अगर, तो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो प्रोजेक्ट में खर्चे लगने वाले हैं वो तो फिक्स ही है, हर चीज का एक कैलकुलेशन बेस्ड वो प्रोजेक्ट कॉस्ट डिराइव होता है, तो खर्चा तो उसका फिक्स्ड है। उसको जो सेल है वो भी हमने 23 से 27 के बीच में पकड़ा हुआ है एज एन एवरेज रेट ऑफ 25,000 पर स्क्वायर फीट ऑफ रेरा कार्पेट एरिया। कंसिडरिंग दैट एडिशनल एरिया गोज टू 0, सरप्लस एंड मंथली रेंट ऑल्सो गोज टू 0। तो ये था अबाउट द फीजिबिलिटी दैट वी हैव वर्कड आउट। नेक्स्ट एक हम डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर आप डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस और हाउ वुड बी द प्रोसेस ऑफ योर प्रोजेक्ट, कि बिल्डर लेड डेवलपमेंट का मॉडल कैसा होता है। एक ही आपकी सोसाइटी है तो सोसाइटी डिसाइड्स टू गो फॉर रीडेवलपमेंट, तो जब आप डिसाइड करते हो कि आपको बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट में जाना है, देन व्हाट द सोसाइटी हैज़ टू डू, दे हैव टू अपॉइंट अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो एक जो पीएमसी होता है वो व्हाट टाइप ऑफ कंसल्टेंसी, कौन से टाइप की कंसल्टेंसी आपको देता है या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जब एक बिल्डर लेड मॉडल में एक पीएमसी काम करता है तो उसका वर्क इज मोर ऑफ सेफ गार्डिंग द सोसाइटी, की डेवलपर जो भी दे रहा है या प्रोजेक्ट जो रीडेवलपमेंट है उसमें हम सोसाइटी को कैसे सेफ गार्ड करें, सोसाइटी को कैसे गाइड करें, एंड डेवलपर जो काम कर रहा है उस पर किस तरीके से हम प्रॉपर रिव्यू रखें, चेक रखें। तो फर्स्ट वर्क इज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, की वी हैव टू वर्क आउट द प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर द सोसाइटी। सेकेंड इज लीगल टीम, कि हमारी लीगल टीम होगी जो आपको पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ जो भी आपको अग्रीमेंट्स करने हैं, कॉरेस्पॉन्डेंसेस करने हैं डेवलपर के साथ, उसमें आपको गाइड करेगी। उसमें ऑल्सो कोऑपरेटिव कंसल्टेंसी आएगी। बेसिकली सेक्शन 79 ऑफ एमसीएस एक्ट वो स्पेसिफिकली इसीलिए बनाया गया है ताकि वो आपको बता सके कि रीडेवलपमेंट या सेल्फ रीडेवलपमेंट का क्या प्रोसेस होना चाहिए। अगर आप डेवलपर को अपॉइंट कर रहे हो तो डेवलपर का सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो इट इज अ डायरेक्टिव, इट इज अ गाइडलाइन। तो उसके लिए ऑल्सो वी हैव टू एज अ कंसल्टेंट हम पूरा हमारी सोसाइटी को गाइड करते हैं कि जो भी प्रोसेस है प्रोसेस से ही चलना है ताकि हमारा जो रीडेवलपमेंट होता है इट बिकम्स कंप्लीटली फुल प्रूफ। देन इज आर्किटेक्चर सर्विसेज, डेवलपर जो आपको डिजाइनिंग या प्लानिंग देगा उसके ऊपर प्रॉपर एक चेक रखना, समझना उसको एंड मेंबर्स को समझाना कि व्हाट हैज बीन प्रपोज टू यू फॉर योर ओन प्रोजेक्ट।
वो डिजाइन एंड अप्रूवल, बेसिकली डेवलपर जो डिजाइन देता है वो, एंड डेवलपर जो अप्रूवल लाता है आईओडी लाता है सीसी लाता है, तो वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसने क्या प्लान अप्रूव करवाया हमसे एंड क्या प्लान पुटअप किया बीएमसी में, तो ये सारी चीजों के ऊपर चेक रखना वुड बी द वर्क ऑफ द आर्किटेक्चरल सर्विसेज. कंस्ट्रक्शन सुपरविजन, वंस योर प्लान वर अप्रूव्ड तो आपका प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से हमने टेंडर में डाला हुआ है, तो दैट ऑल्सो वी हैव टू चेक. तो ये सारी सर्विसेज आ जाती है इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी. सेकेंड अपॉइंटमेंट जो सोसाइटी को करना है, दैट इज हैव टू अपॉइंट अ डेवलपर जो पूरा प्रोजेक्ट मैनेज करेगा. तो यहाँ पे पूरी टीम जो है वो डेवलपर की लगेगी, प्रोजेक्ट फाइनेंस है वो डेवलपर प्रोक्योर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर डेवलपर का होगा या वो डेवलपर खुद होगा, प्रोफेशनल टीम जो आर्किटेक्चर सर्विसेज हो गए जो प्लान बनाएगा वो डेवलपर बना के देगा, उसके अलावा जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज होते हैं वो पूरा टीम डेवलपर का होगा. प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, तो पूरा जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन है उसका जिम्मेदारी डेवलपर की होगी, एंड सेल्स एंड मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी यहाँ पे डेवलपर की ही होगी. तो इन दिस वे आपका बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट मॉडल इस तरीके से फंक्शन करता है. सेकेंड मॉडल अवेलेबल है, दैट इज द सेल्फ रीडेवलपमेंट मॉडल. इसमें एक तरीका है कि आप सेल्फ रीडेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू फंडिंग फ्रॉम मुंबई बैंक. तो उसमें सोसाइटी है, सोसाइटी हैज टू अपॉइंट अ सेल्फ रीडेवलपमेंट कंसल्टेंट, बेसिकली पीएमसी ही है, बट हमारा जो स्कोप ऑफ वर्क है वो बढ़ जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट सेल्फ रीडेवलपमेंट. तो पीएमसी वन में